जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाला है जादू। इसमें देखेंगे हमारे पास दो गिलास रखी हुई है, एक गिलास चलाएंगे, उम्मीद करते हैं पूरा चलना चाहिए, देखते हैं होता क्या है। आग लगाते हैं दोनों ही गिलासों में हम लोग। इसमें आग लग गया भाई, इधर भी आग लगाते हैं। सिमिलरली जैसे उसमें आग लगा वैसा ही आग इसमें भी लगा रहे हैं। अब सिर्फ ये बात देखना है कि ये ग्लास कितना चलेगा। आप प्रॉपर देख सकते हैं दोनों ग्लास नॉर्मली जल रहे हैं। उम्मीद ये है कि ये ग्लास पूरा जल जाएगा, ये पूरा नहीं जलेगा। आप देख सकते हैं इसकी आग बुझने लगी है, ये इस लेवल के नीचे नहीं जा रहा, जबकि ये वाली आग नीचे तक जा रही है, ये आग नीचे तक जा रही है, ये आग नीचे तक नहीं जा रही है। क्लियर भी आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा ग्लास जल गया। ये ग्लास की आग कितने दूर जाने के बाद अब बुझ रही है, मतलब ये ग्लास पूरा जल गया। डेक्स ना पकड़े इस वजह से इसको नीचे गिरा देते हैं, नहीं तो डेक्स पकड़ लेगा, ये आग लग जाएगी। डेक्स में लग गई है, ये वुडन है। ये आप देख सकते हैं कि ये ग्लास उसी टाइम में पूरा जल रही है, और इस ग्लास में आप देख सकते हैं इधर कि ये जो ग्लास है हमारे पास ये पार्शियली ही जला हुआ है। ये ग्लास पूरी जल गई, ये ग्लास आधी जली है। जानते हैं इसके पीछे का रीजन, इसके पीछे का कारण क्या है। देखें जो ग्लास पूरी जल गई है, दूसरी ग्लास में आधा पानी भरा हुआ था, जहां तक पानी भरा हुआ था पानी की स्पेसिफिक हीट, ठीक, स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी दोनों ही कहा जा सकता है, दोनों ही बहुत ज्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने के कारण इसके पास जो इसके जलने से हीट था वो नीचे वाले लेयर को जलाने के लिए सफिशियंट नहीं था, इस वजह से आग बुझ गई। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए लर्निंग फॉरम चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।